हेलो स्टूडेंट्स, मैं किरण चौधरी आज आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर और टेक्सटाइल फाइबर की हिस्ट्री और उसके ओरिजिन के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले टेक्सटाइल फाइबर क्या होता है। टेक्सटाइल फाइबर एक छोटा डेलिकेट हेयर टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो प्लांट्स या एनिमल्स से हमें प्राप्त होता है। इसकी लेंथ लगभग 5 मिलीमीटर होती है और इसमें ये सब क्वालिटीज़ होनी चाहिए ताकि दो फाइबर को हम स्पिन करके यार्न में कन्वर्ट कर सकें और इसी यार्न से आगे जाकर फैब्रिक बनाया जाता है जो कि वोवन है, नेटेड है, नॉन वोवन है और कारपेट्स जो बनते हैं वो बॉन्डेड फैब्रिक से भी बनाए जाते हैं। इन टेक्सटाइल फाइबर्स में कुछ क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ये फाइबर्स में लचीलापन हो, जैसे कि हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, कोहेसिव हो, एक दूसरे से जुड़ने की क्षमता, इसमें इतनी ताकत होनी चाहिए ताकि ये यार्न में स्पिन करके इसे यार्न में कन्वर्ट किया जा सके। इस फाइबर में इलास्टिसिटी होनी चाहिए, फाइननेस, स्मूथनेस, यूनिफॉर्मिटी, ड्यूरेबिलिटी और चमक की भी क्वालिटी होनी चाहिए। सो जिन फाइबर्स में ये सब क्वालिटीज़ हैं वो बाद में स्पिन होकर एक अच्छे यार्न में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम हिस्ट्री ऑफ फाइबर के बारे में डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री ऑफ फाइबर, जैसा कि हिस्ट्री के हिसाब से पता चलता है कि 70,000 वर्ष पूर्व मानव जाति ने कपड़े पहनने शुरू किए थे, परंतु कॉटन, वूल और सिल्क जो कि एनिमल और प्लांट फाइबर्स हैं, इनका एग्जिस्टेंस 4,000 वर्ष पूर्व हुआ था और 1940 तक बेसिकली यही तीनों फाइबर्स ट्रेंड में रहे थे। इसे हम फर्स्ट जनरेशन फाइबर कहते हैं। ये काफ़ी नाजुक होते हैं, इनकी हैंडलिंग या इनको रखने का तरीका काफ़ी सेंसिटिव है, इनमें स्ट्रेंथ कम होती है, इस पे मॉथ्स और कीड़ा लगने की भी संभावना ज़्यादा होती है, रिंकल्स जल्दी आते हैं, वॉशिंग के में भी इसमें काफ़ी केयर करना होता है और इसकी ड्यूरेबिलिटी कंपैरेटिवली कम होती है। सेकेंड जनरेशन फाइबर्स जो हैं ये लगभग 1 सेंचुरी पहले आए थे और इसमें सिंथेसाइज्ड फाइबर्स एग्जिस्टेंस में आए, जैसे रेयन और नायलॉन। ये फाइबर्स नेचुरल फाइबर के कंपैरेटिवली सस्ते थे और इनका डेवलपमेंट ज़्यादा एप्लीकेशंस मेडिसिनल प्रोडक्ट्स के लिए, एरोनॉटिक्स, होम फर्निशिंग्स और मॉडर्न अपैरल्स के लिए हुआ था और इसमें से काफ़ी ऐसे फाइबर्स हैं जो कि आर्टिफिशियल और नेचुरल फाइबर को ब्लेंड करके भी बनाया गया। सबसे पहले रेयन के बारे में स्टडी 1664 में स्टार्ट हुई और इसके 200 वर्ष के बाद में 1855 में एक स्विस केमिस्ट ऑडमर्स ने इसमें रिसर्च किया और 1889 में हिलारे डी शैडोनेट फ्रेंच केमिस्ट है जिसने आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से रेयन को प्रोड्यूस किया और रेयन सिल्क का एक सस्ता वर्जन है। 1924 में रेयन फाइबर को सेलनीज कंपनी ने एसीटेट के साथ मिलाकर इसे प्रोड्यूस किया और इसका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। थर्ड जनरेशन फाइबर में नायलॉन का इन्वेंशन हुआ और सितंबर 1931 में ड्यूपॉन्ट कंपनी ने रिसर्च करके कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर पेट्रोकेमिकल्स द्वारा तैयार किया। ये नायलॉन 6 और नायलॉन 66 है। 1939 में इसका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ और नायलॉन फाइबर ने फैब्रिक इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी क्रांति लाए और इस फाइबर का मिलिट्री सप्लाइज, रोप्स, पैराशूट्स, मेडिसिन, टेंट्स और हाई ग्रेड पेपर क्वालिटी जिससे कि करेंसी बनती थी उसमें इस फाइबर का उपयोग हुआ। फोर्थ जनरेशन फाइबर था जो ड्यूपॉन्ट ने स्टार्ट किया, एक नई कंपनी। इसमें एक्रेलिक को वूल जैसा प्रोडक्ट, एक्रेलिक से वूल जैसा एक प्रोडक्ट बनाया और इस प्रोडक्ट को जे डिक्सन और जे.आर. विनफील्ड ने बनाया। ये पॉलिस्टर फाइबर के कंडेंसेशन से तैयार किया गया था। फिफ्थ जनरेशन फाइबर में 1952 में एक्रेलिक और कॉटन को मिक्स करके एक नया फाइबर बना। ये एक वॉश एंड वेयर फाइबर की अब एक क्रांतिकारी तब्दील आई थी, एग्जिस्टेंस आई थी और ये वॉश एंड वेयर फाइबर ऐसा बना जो कि रिंकल फ्री फाइबर था और धीरे धीरे इसमें प्रेस करने की भी ज़रूरत कम होने लगी। डेली हाउस होल्ड में ये सब कपड़े काफ़ी पॉपुलर हुए क्योंकि इनमें डाइज परमानेंट थी, इनमें जो क्रीज परमानेंट थी ये हायर ड्यूरेबिलिटी थी और पॉलिएस्टर भी ज़्यादा से ज़्यादा 60s और 70s में पॉपुलर होता चला गया और इसके बाद में सिंथेटिक और मैन्युफैक्चर्ड फाइबर्स का ट्रेंड स्टार्ट हुआ और इनमें काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ थी, जैसे कि ये फ्लेम रेजिस्टेंट थे, रिलीज सॉइल अपने साथ नहीं चिपकने दे रहे थे, इसमें स्पेशल चमक थी,
डलनेस की क्वालिटी नहीं थी, ब्लेंडिंग क्वालिटी अच्छी थी, ये सब चीज़ें देखते हुए हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करते थे, ये फाइबर्स काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में आए। सिक्स जनरेशन फाइबर में ग्लास फाइबर, कॉम्पोजिट फाइबर, एस्बेस्टॉस, कार्बन फाइबर, ये सब फाइबर्स अलग अलग क्वालिटीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, सुपर एब्जॉर्बेंट थे, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स भी इनसे प्रोड्यूस हुए। इन फाइबर्स ने मेडिकल हिस्ट्री में काफ़ी बड़ा क्रांति लाए और इनसे फ्लॉपी डिस्क, अपैरल इंटरफेसिंग्स, सर्जिकल गाउन्स, ऐसे सब चीज़ें बनाई गई। सो ये इसके बाद में हमारे पास जो मेन नॉलेज है, ये एप्लीकेशंस इनकी काफ़ी इंडस्ट्रियल तौर पे भी हुई, डोमेस्टिक तौर पे भी इन फाइबर्स ने क्रांति क्रिएट की। और इसका बाद में ग्रेजुअली ये ग्लास फाइबर्स हैं और एस्बेस्टोस शीट्स हैं जो हमारे वॉर वेपन्स हैं और मेडिकल इंडस्ट्री है, इस सब में ये जो नए नए फाइबर्स हैं इनका उपयोग बहुत तरह से होने लगा, जैसे कि सर्जरीज में थ्रेड है, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स जो बन रहे हैं, ये सब भी नए जो हमारे फाइबर्स इन्वेंट हुए हैं, जो जियो टेक्सटाइल्स इन्वेंट हुए हैं, इनसे हम आगे बढ़ते चले गए। सो मेनली हिस्ट्री हमारी नेचुरल सोर्स से लेके आर्टिफिशियल सोर्स पे होते हुए और नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स दोनों की ब्लेंडिंग करते हुए ये हमारे पास डिफरेंट टेक्सटाइल्स और फाइबर्स तैयार हो गए। थैंक यू।